पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मरवाया, फिर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एक और पंजाबी सिंगर को जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल पंजाबी सिंगर जैस्मिन सैंडल्स ने यह आरोप लगाया है कि एक कार्यक्रम के लिए दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि फोन करने वाले व्यक्ति ने गायिका को धमकी देते हुए जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र किया था। पुलिस के अधिकारियों ने यह भी बताया कि अमेरिका की रहने वाली जैस्मिन सैंडल्स को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक लाइव कंसर्ट करना था। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि सैंडल्स को जिस फोन से धमकी दी गई है वो अंतर्राष्ट्रीय नंबर है। सिंगर के स्टाफ ने तत्काल उत्तर पश्चिम दिल्ली की पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि सैंडल्स को होटल में सुरक्षा उपलब्ध करवाया जाए, जिसके बाद सुरक्षा उनकी बढ़ाई गई। आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर जैस्मिन सैंडल्स को कथित तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गुर्गों ने जान से मारने की धमकी दी है। पंजाबी सिंगर जैस्मिन इस वक्त अमेरिका में रहती हैं और 7 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में परफॉर्म करने के लिए आई थी। वो जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी, उन्हें इंटरनेशनल नंबर से जान से मारने की धमकी भरे कॉल आने लगे। पुलिस के मुताबिक सिंगर जैस्मिन को फोन करके ये कहा गया था कि शनिवार यानी 7 अक्टूबर को स्टेडियम में उन पर कथित तौर पर हमला किया जाएगा। पंजाबी सिंगर जैस्मिन सैंडल्स को जान से मारने की धमकी के बाद पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस इस मामले में जानकारी उपलब्ध कर रही है।